माना मैदान में कभी कभी उतरते हैं, अपने लेवल के नीचे का खेल नहीं खेल सकते हम। अजी माना के मैदान में कभी कभी उतरते हैं, अपने लेवल के नीचे का खेल नहीं खेल सकते हम। और हम अच्छे नहीं लगे तो कोई और देख लीजिए, रोज रोज किसी का ड्रामे नहीं झेल सकते हम। हे गाइस, तो अभी बीआर रैंक का न्यू रैंक सीजन आ गया है एंड आज मैं आप लोग को सोलो रैंक पुश का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना जिसका यूज करके गाइस मैं खुद ग्रैंड मास्टर पहुंचा इस सीजन। एंड अगर आप लोग भी इस वाले ट्रिक का यूज करके रैंक पुश किए तो 110% गाइस आपका हर गेम बुआ होगा, जैसे हर गेम मेरा बुआ होता है गाइस। एंड आप लोग हर गेम के अंदर बहुत सारा प्लस लेके सुपर फास्ट तरीके से अपना रैंक पुश कर सकते हो, ठीक है। तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिकॉज मैं ए टू जेड सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग सोलो के अंदर रैंक पुश कर सकते हो, बेस्ट कैरेक्टर स्किल कौन है और कैसे आप लोग हर गेम को बुआ ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंड तगड़ी तगड़ी वीडियोस तो बनाते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को गाइस डिटेल में देखनी कि मैंने कैसे रैंक पुश किया तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर गाइस चैनल के बायो में भी मेरा सेकंड चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग जाके मतलब देख सकते हो। वहां पे मैं गाइस रोड टू ग्रैंड मास्टर का सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। एंड वहां पे मैं ये वाला सीरीज अपलोड करूंगा जहां पे मैं गाइस गेम प्ले दिखा के गाइस मतलब हर एक गेम का गेम प्ले दिखा के अच्छे से आप लोग को रैंक पुश करना सिखाऊंगा एंड मैं भी खुद रैंक पुश करूंगा, ठीक है। तो चलो यार बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग की। तो लैंडिंग देखो आप लोग गाइस सोलो में कहीं भी करो, स्टार्टिंग में आप लोग को एक दो किल निकाल लेना है, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग उतरते हैं यहाँ पे क्लॉक टावर में। अब हम लोग का सबसे पहले मेन काम रहेगा गाइस पता है क्या रहेगा, सबसे पहले किल निकालना, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में आप लोग। और हाँ, ऐसी जगह पे उतरो जहां पे थोड़े मतलब बंदे ना हो, पहले गन्स वगैरह मिल जाए। बहुत बार क्या होता है आप लोग उतरते हो आपको गन ही नहीं मिलता है, सामने वाले बंदे को गन मिल जाता है और वो आपको मार देता है जिससे आपका माइनस लग जाता है, ठीक है। तो चलो भाई लेवल 1 का वेस्ट मिला है अभी, भाई ये बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है यार। तो सबसे पहले गाइस अपन लोगों को MP5 मिल गया, तो स्टार्टिंग में आप लोग को मेन काम है गाइस किल निकालना, ठीक है। जब तक आप लोग किल निकाल सको, 1, 2, 3 जितना भी किल निकाल सको गाइस, ठीक है। सबसे पहले ये भाई ऊपर लैंडमाइन लगा है, चलो इधर से निकलते हैं और जाके देखते हैं किधर है बंदा। और हाँ, पेशेंस रख के खेलना है, बहुत सारे बंदे क्या होते हैं किल के चक्कर में बंदे के मुंह में घुस के मर जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं गाइस, टाइम मिलता है 2 मिनट से 2.5 मिनट का, ठीक है। तो आप लोग आराम से मारो ना, आराम से किल निकालो भाई, इतनी भी जल्दी की क्या जरूरत है, मतलब आराम से बंदे मारना है गाइस, ठीक है। बहुत सारे बंदे देखो हड़बड़ी करने लगते हैं कि भाई जल्दी जल्दी किल निकालना है चलो, और वो खुद मर जाते हैं बंदे के मुंह पे जाके। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना, आप लोग को आराम से खेलना है। रुको रुको, इस चिलगुजे को मारता है, ये रहा बंदा, और किधर भाग रहा है भाई, रुक जा भैंसे। तो आप लोग को ना आराम से खेल के किल निकालना है, ऐसे कोई मतलब प्रेशर की कोई बात नहीं है। ये देखो भाई किया ना बंदे का काम तमाम। तो इसी तरीके से गाइस आप लोग को आराम से किल निकालना है और वेट करके खेलना है, होल्ड करके। देखो इस टाइम पे, ओ भाई लो दूसरा किल भी आ गया। देखो अगर अब इस टाइम तक अगर आप लोग मरते हो तो मतलब आप लोग रिवाइव हो जाओ, लेकिन देखो अभी रेड रेड हार्ट दिल चल रहा है इस कॉइन के बगल में। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दे के खेलना है, मतलब अब आप लोग को ना क्या करना है गाइस, देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो अब आप अगर मरोगे तो गाइस आप रिवाइव नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अब आप लोग को मतलब ये थोड़ा सोच समझ के खेलना है। सोच समझ के बोले तो क्या, मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अभी के टाइम पे अब आप लोग को क्या करना है कि देखो ये देखो और भी बंदे आ गए भाई, ये लोग रिवाइव हो के आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इस टाइम पे रिवाइव होके फिर आते हो और अगर आप लोग ऐसे फाइट करो मतलब गाइस बंदे के सामने रस करोगे तो आप लोग मर सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप लोग को रस नहीं करना, आप लोग को वेट करना है एक घर पे या कहीं पे, एटलीस्ट बंदे जब तक काम ना हो जाए, मतलब 20 से 25 बंदे ना हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो गाइस 20-22 बंदे बच चुके हैं, तो अब मैं रस कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं अब मरता हूँ तो अब तो मेरा माइनस बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं, ठीक है, जितना हो सके प्लस ही लगेगा। और ये बंदे को गंदा वाला डैमेज पड़ा है, तो चलो यार इरिस लगा कि इस बंदे पे रस कर देते हैं। हाँ तो मैं यही बोल रहा था गाइस, ठीक है। उसके बाद देखो अब मैं अगर मर भी जाता हूँ तो देखो 20 बंदे बचे, मेरा 3 किल भी है, तो अब मेरा माइनस लगने का बिल्कुल भी ना के बराबर का चांस है। ये रहा बंदा, और ये बंदे का क्या काम तमाम। तो अब तो ये वैसे भी मर जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को रस करना है, और अभी तो मैंने आप लोग को बेस्ट कैरेक्टर स्किल बताया नहीं है, चलो मैं आप लोग को बेस्ट कैरेक्टर स्किल बताता हूँ। तो सबसे पहले जो एक्टिव कैरेक्टर स्किल आता है उसमें आप लोग को यूज़ करना इरिस कैरेक्टर। भाई इरिस का मुकाबला अभी कोई कैरेक्टर कर ही नहीं सकता गाइस, ठीक है। ये जॉर्ड और वॉट वाला कैरेक्टर स्किल है, ठीक है। तो आप लोग को यूज़ करना इरिस कैरेक्टर। और उसके बाद गाइस आप लोग को यूज़ करना है गाइस एक जो मतलब एक वॉल के गाइस जिसका नाम है नायरी। अगर आप लोग ये वाला वॉल लेके खेलते हो
तो आप लोग को क्या होगा गाइस, ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो नायरी लेके जब भी आप लोग खेलोगे तो मतलब आप लोग गाइस का वॉल आप लोग का टूटेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को यूज़ करना है लिक्वेटा करेक्टर। तो जब भी आप लोग लिक्वेटा लेके खेलोगे तो भाई आप लोग 110% मान के चलो कि मतलब गाइस आप लोग का दो जैसे ही किल करोगे आप लोग का 50 एक्स्ट्रा एचपी का स्लॉट मिल जाएगा। और भाई मतलब उसके बाद आप लोग 280 एचपी लेके खेलोगे, जहाँ पे नॉर्मल बंदे गाइस मतलब देखो आप लोग 200 एचपी लेके खेलते हैं वहाँ पे आप लोग 280 का हेल्थ लेके खेल सकते हो। और उसके बाद गाइस आप लोग को यूज़ करना है एक और करेक्टर जिसका नाम है वुल्फरा। देखो अभी देखना इरिस का कमाल, वॉल के अंदर ही मार दिया ना, तो ये होता है इरिस का फायदा गाइस। और वुल्फरा लगा के आप लोग जब भी खेलोगे तो मतलब गाइस आप लोग जितना भी बंदे मारोगे उतना ही ज्यादा आप लोग का हेडशॉट वगैरह ये सभी की सभी चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलूंगा वुल्फरा लगा के खेलो। ये बंदे को लगा है एड, एक ही गोली का बंदा है, चलो इस पे रस देते हैं। और ये बंदे का मर जा भाई यार, मर जा भाई, मर जा यार, मर जा भाई, ये क्या बंदा है गाइस। सोनिया दिमित्री अभी भी लगा के कौन आता है भाई। तो चलो इसका भी किया काम तमाम। अभी चार बंदे बचे हैं, ट्राई करेंगे अपन लोग चारों को मारने का, ठीक है। चार नहीं यार, तीन ही बचे अपने अलावा, तो ट्राई करेंगे गाइस अपन लोग तीनों को मारने का। फिलहाल चलो यहाँ से अपन लोग निकलते हैं। और अब मैं आप लोग को आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो ये तो हो गए कैरेक्टर स्किल, अब आप लोग को गन सेलेक्ट करना है गाइस कि कैसे कौन से गन लेके खेलना है। देखो आप लोग को गन सेलेक्ट कर लो तभी आप लोग उस गन में गाइस इंडिया में टॉप में आने वाले हो, ठीक है। इंडिया में कर सकते हो, अपने स्टेट में टॉप में जा सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को वेपन सेलेक्ट कर लेना है, एक अच्छा सा शॉर्ट रेंज, एक अच्छा सा लॉन्ग रेंज। देखो मेरे पास MP40 मैक्स है, कट्टा मैक्स है, UMP मैक्स है, M10 मैक्स है, बट फिर भी मैं बिजोन चला रहा हूँ क्योंकि मुझे जोन चलाना है गाइस, ठीक है। इससे मैं इंडिया में जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गन सेलेक्ट कर लेना पहली बात। और दूसरी बात ये कि मतलब मैं M60 भी चला रहा हूँ, मेरे पास अच्छे अच्छे लॉन्ग रेंज के भी गन है, बट मैं वो सब नहीं चला रहा हूँ। अब देखो ये रहा बंदा और ये ग्रीन क्रिमिनल का भी काम तमाम। चलो इसको M60 से फिनिश करते हैं ताकि अपन लोगों का मिशन मिल जाए। और ये बंदे का किया काम तमाम। अभी दो ही बंदे बचे हैं गाइस और इन दोनों को भी अपन लोग मारने का 110% ट्राई करेंगे और इजी पीजी मार भी देंगे, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान में रखना गाइस, कार और ये वाला गाड़ी जिस गाड़ी से मैं घूम रहा था वो वाला गाड़ी आप लोग को, ये वाला गाड़ी गाइस, ठीक है, इस वाले गाड़ी में आप लोग को घूमना है। इस वाले गाड़ी में घूमोगे तो जब आपके पास गाइस मतलब जो है ना वो करेक्टर आता है ना गाइस एक जिसका नाम है मीसा, तो अगर आप लोग मीसा लगा के नहीं भी खेलोगे ना तब भी आप लोग इजी पीजी बंदे को मार सकते हो, ठीक है। मतलब इजी पीजी आपको कोई बंदा डैमेज नहीं दे पाएगा गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचता है आखिरी बंदा और इससे गाइस आराम से फाइट लेना है। देखो जब भी आप लोग टॉप टू टॉप थ्री करो तब आप लोग को गाइस थोड़ा पेशेंस रख के खेलना है, बिकॉज देखो अब देखो मैंने इरिस लगाया, ये देखो वॉल के अंदर भी कैसे बंदे को मारूँ, हाँ ये देखो वॉल के अंदर ही लग रहा है ना गाइस गोली। तो एक और चीज़ मैं आप लोग को बताइए, देखो वॉल के अंदर लग रहा है गोली, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो वॉल के अंदर ही लग रहा है ना गोली। तो मैं आप लोग को क्या बता रहा था गाइस कि जब भी आप लोग मतलब देखो लास्ट जोन आ जाए, ठीक है, जोन छोटा हो जाए, तब आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रख के खेलना है। क्या पता है कि आप भी टॉप टू किए और सामने वाला भी बंदा टॉप टू किया, मतलब जितना आपको खेलना आता है उसको भी उतना ही खेलना आता है, तभी उस बंदे ने भी टॉप टू किया, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग को अच्छे से ध्यान से फाइट लेना है एकदम गाइस, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग ध्यान से फाइट लोगे तभी उससे जीत सकते हो, ठीक है। और आप लोग इजी पीजी जीत जाओगे गाइस, जैसे अभी मेरा अगर कैरेक्टर चार्ज हुआ तब तो मैं उसको इजी पीजी आराम से मार दूंगा, क्योंकि अपने पास है इरिस कैरेक्टर गाइस, इरिस का मुकाबला कोई थोड़ी ना कर सकता यार, नेक्स्ट लेवल का ये कैरेक्टर स्किल है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो एक और पेट, ये लो भाई ये बंदे को मरना है क्या यार, एक और पेट यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है गाइस पता है क्या, रॉकी पेट। अगर आप लोग रॉकी पेट यूज़ करके खेलोगे तो आप लोग का गाइस मतलब देखो ये देखो मेरा करेक्टर स्किल चार्ज हो गया, तो आप लोग का करेक्टर स्किल जल्दी चार्ज होगा गाइस, जो भी एक्टिव करेक्टर स्किल है ना वो जल्दी चार्ज होगा। और ये देखो वो बंदा लेट गया भाई, हेडशॉट के साथ बंदे का किया काम तमाम। और 11 के स्किल के साथ कर लिया अपन लोगों ने वाला गेम बुया। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना गाइस, ठीक है। और जल्दी से गाइस मतलब मेरे बायो में गाइस या फिर डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का भी लिंक है, अगर आप लोग को प्रॉपर अच्छे से डिटेल में देखना है मैं कैसे रैंक पुश करता हूं तो उस वाले चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।